Hello, my dear students. Hello, my dear students. Welcome in my channel. So, my today's topic of discussion is central nervous system. In short, we can say as CNS, that is central nervous system. So, central nervous system basically it consists of two parts. First is brain, and second one is a spinal cord. In my last video, I think you all have watched that video. In that video, I have discussed about classification of nervous system. So, CNS, ANS, PNS, we all have discussed the things. In this video, I am totally going to focus on central nervous system subclassification. So, it is supported and protected by skeleton. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसको सपोर्ट और इसको प्रोटेक्ट करा गया एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जिसका नाम है क्रेनियम. और क्रेनियम जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन. और किसको प्रोटेक्ट करेगा? ब्रेन को करेगा और वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करेगा. ब्रेन को और वर्टिब्रल कॉलम, एंड वर्टिब्रल कॉलम को क्रेनियम प्रोटेक्ट करेगा, इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन. एंड वर्टिब्रल कॉलम विल प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, इट विल प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड. दूसरी बात अगर हम लोग करें स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. मैंने यहाँ पे स्पाइनल लिखा है, इसको मैं कॉर्ड कर देती हूँ. तो इसको तीन कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं, मेम्ब्रेन्स. इट इज कवर्ड बाय थ्री कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स, जिनको कि हम लोग बोलेंगे मैनिंजेस. जो मैनिंजेस है, इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स हैं. और जब कभी कभी इंफ्लामेशन हो जाता है मेनिंजेस में, तो हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग बात करें कि वो तीन लेयर्स कौन सी होती हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरामीटर, एराचिनॉइड और लास्ट है पायामीटर. तीन लेयर्स है हमारे पास मेनिंजेस में, ड्यूरामीटर, एराचिनॉइड एंड पायामीटर. तो जो ड्यूरामीटर है ये आउटर मोस्ट है स्टूडेंट, आउटर है और टफ है. एराचिनॉइड मिडिल लेयर, मिडिल मेम्ब्रेन. और जो पायामीटर है वो काफी डेलिकेट है और इनर मोस्ट है. डेलिकेट है, इनर मोस्ट है, इसलिए भी आप कह सकते हैं ये डेलिकेट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो स्पेस है मेनिंजेस, एराचिनॉइड और पायामीटर के बीच में. जो स्पेस है किसके किसके बीच में? एराचिनॉइड और पायामीटर के बीच में. उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस. और वहां पे जो फ्लूइड फील्ड होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं CSF. और CSF का मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है स्टूडेंट्स, उसका क्या फंक्शन है वो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड पर ही होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीएसएफ क्या होता है, उसकी क्या फंक्शंस. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक यू अगेन, वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू.